प्रयागराज में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए उस्मान चौधरी की पत्नी ने कहा, पुलिस ने मेरे पति का जानबूझकर किया एनकाउंटर। शूटिंग के दौरान घायल हुए अमिताभ बच्चन, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना। गाजियाबाद में हमले में घायल शख्स की मौत, आपत्तिजनक हालत में युवक युवती के स्कूटी पर घूमने का किया था विरोध। लखनऊ में होली पार्टी के दौरान जमकर बवाल, होटल के अंदर महिलाओं से हुआ छेड़छाड़ का आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस ने की कार्रवाई। कहा था ना मिट्टी में मिला देंगे, विजय उर्फ उस्मान के एनकाउंटर पर भाजपा विधायक सलभ मणि त्रिपाठी ने किया ट्वीट। होली से पहले चीनी मिल से जुड़ी गन्ना समितियों को सीएम योगी का तोहफा, 6 वर्षों के उनके शासन में राज्य में एक भी किसान ने नहीं की खुदकुशी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बेटे बहू से नाराज बुजुर्ग ने यूपी सरकार को 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति सौंप दी। यूपी के बहराइच में पति के साथ बाजार गई महिला को एक चौकीदार ने छेड़ा, महिला ने उनकी पिटाई कर दी। कानपुर में लुटेरों ने शराब ठेका मालिक से तमंचे के दम पर 4 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्टेशन पर चलती ट्रेन से एक महिला अपने बच्चे के साथ उतरने की कोशिश, तभी जीआरपी के जवान की तत्परता से महिला को ट्रेन और पटरी के बीच आने से जवान ने बचाया। गोरखपुर में शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग, मिठाई खाने से लोगों की बिगड़ी तबीयत। आज से बापू धाम एक्सप्रेस से जुड़ेगा सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का शहर, 6.5 घंटे में पहुंचेंगे गोरखपुर। मेरठ में होली का चंदा मांगने पर बवाल, मारपीट और पथराव में 2 युवक हुए घायल। कानपुर में 2 पक्षों में हुआ बवाल, 30 से 25 लोगों ने किया पथराव, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नोएडा में डेटिंग ऐप से बनाते थे महिलाओं का शिकार, 5 नाइजीरियाई और 1 भूटानी महिला हुई गिरफ्तार। मिलेट्स को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, मिलेट्स के प्रोत्साहन पर 200 करोड़ खर्च करेगी सरकार। उन्नाव में 15 साल की रेप पीड़िता ने दिया बच्ची को जन्म, पेट में दर्द होने पर खुला मामला। सीतापुर में मामूली विवाद पर 2 पक्ष आपस में भिड़े, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, हमले में एक व्यक्ति को आई गंभीर चोट। कानपुर में 12वीं की छात्रा से मोबाइल लूट का मामला, लुटेरों ने छात्रा को धक्का देकर छीना मोबाइल, धक्के से गिरी छात्रा गंभीर रूप से हुई घायल। काशी विश्वनाथ में मिलेगा मोटे अनाज से बना प्रसाद, योगी आदित्यनाथ की पहल पर लिया गया फैसला। किताब चोरी मामले में आजम खान की बेल रद्द कराने योगी सरकार पहुंची इलाहाबाद हाईकोर्ट। जौनपुर में गैस चूल्हा जलाते ही आग भड़की, सिलेंडर फटने से कमरा ढहा, महिलाओं बच्चे समेत 3 हुए घायल। मऊ में बेकाबू हुई बाइक डिवाइडर से टकराई, 1 की हुई मौत। गोरखपुर में बहन से छेड़खानी करने पर भाई पर हुआ केस, जांच में जुटी पुलिस।